भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला विशाखापत्तनम में खेला जा रहा है। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड की टीम ने अपनी दूसरी पारी में 1 विकेट के नुकसान पर 67 रन बना लिए हैं। स्टंप्स के समय जैक रॉली 29 और रियान अहमद 9 रन बनाकर नवाद रहे हैं। इंग्लैंड को जीत के लिए अभी भी 332 रन और बनाने हैं, वहीं भारत को इस मैच को जीतने के लिए 9 विकेट झटकने होंगे। इंग्लैंड का इकलौता विकेट बेन डकेट के रूप में गिरा, जो 28 रन बनाकर आर अश्विन का शिकार बने। बता दें कि भारत ने यशस्वी जायसवाल के शानदार दोहरे शतक की बदौलत अपनी पहली पारी में 396 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड की पहली पारी 253 रनों पर ही सिमट गई। भारत को पहली पारी के आधार पर 143 रनों की बढ़त मिली थी। इसके बाद भारतीय टीम की दूसरी पारी 255 रनों पर ही सिमट गई, यानी इंग्लैंड को जीत के लिए 399 रनों का टारगेट मिला। हालांकि भारतीय टीम ने तीसरे दिन के खेल में कुछ खास शुरुआत नहीं की। कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे और वह दूसरे दिन के अपने स्कोर में एक भी रन नहीं जोड़ पाए। फिर भारत ने यशस्वी जायसवाल का भी विकेट गंवा दिया। उन्होंने पहली पारी में दोहरा शतक जरूर लगाया था, लेकिन रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने आउट किया। 30 रनों पर 2 विकेट गिरने के बाद शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने तीसरे विकेट के लिए अपनी पारी को संभालते हुए 81 रनों की साझेदारी की। हालांकि श्रेयस अय्यर अपनी पारी को ज़्यादा नहीं बढ़ा सके और उन्हें रियान अहमद ने पवेलियन भेजा। श्रेयस अय्यर तो आउट हो गए, लेकिन गिल के इरादे स्पष्ट नजर आ रहे थे और उन्होंने शानदार शतकीय पारी खेलकर भारत की स्थिति और मजबूत कर दी। गिल 147 गेंदों का सामना करते हुए 104 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। गिल का अक्षर पटेल ने भी भरपूर साथ निभाया। अक्षर पटेल और गिल ने मिलकर 5वें विकेट के लिए 89 रन जोड़े। हालांकि गिल को शोएब बशीर ने चलता किया। गिल के आउट होने के बाद बाकी के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके और भारत ने आखिरकार 5 विकेट 45 रनों के अंदर ही गंवा दिए। नतीजतन भारत की दूसरी पारी महज 255 रनों पर ही सिमट गई। इंग्लैंड की ओर से टॉम हार्टली ने सबसे ज़्यादा 4 विकेट और रियान अहमद ने 3 विकेट हासिल किए। इसके अलावा जेम्स एंडरसन को 2 विकेट जबकि शोएब बशीर को 1 विकेट मिला। तो आपको क्या लगता है, क्या इंग्लैंड की टीम 399 रनों का टारगेट को चेस कर पाएगी या फिर भारतीय टीम जो बचे हुए 9 विकेट है इन विकेटों को लेकर इस श्रृंखला को 1-1 से बराबरी कर पाएगी? आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।